बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुकर्रम सलीम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे सत्तू। बहुत ही मज़ेदार ड्रिंक है, पंजाब में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली गर्मियों के अंदर सत्तू बहुत ठंडे होते हैं। तो सत्तू जो हैं वो जौं जो होते हैं उनके बनते हैं। तो अभी मैं आया हूँ खेतों के अंदर, तो सबसे पहले गंदम के अंदर जो जौं के पौधे हैं कहीं कहीं उनको काट लेंगे। तो चलिए काटते हैं। और इनका पता कैसे चलेगा, ये देखें, ये गंदम है और इनके ये बाल जो हैं ये बड़े होते हैं, ये जौं होते हैं, आसानी से नज़र आ जाते हैं गंदम के अंदर से। तो ये काट लेंगे और ये हमारे पास एक तोड़ा है, इसमें डाल के इसको भर लेंगे। और ये थोड़े कच्चे हैं तो अभी इनके जो हैं वो सत्तू सही बनेंगे, ज़्यादा पक जाएं तो फिर सही नहीं बनते, ये थोड़े थोड़े कच्चे चाहिए होते हैं। तो इसकी मदद से इसे सही तरह कूट लेंगे। इसके जो दाने हैं उनको हमने अलहदा करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये आसान तरीका, सेट पर के तो ये सही तरह हमने कूट लिए हैं और सिट्टू से दाने जो हैं वो अलहदा हो गए हैं। तो अभी छज की मदद से छान कर दाने जो हैं वो अलहदा कर लेंगे। और ये छज की मदद से दाने अलहदा हो गए हैं और ये जो कचरा वगैरह था ये अलहदा हो गया। कढ़ाई चूल्हे पे रख लिया, तो थोड़े थोड़े करके भूनेंगे सही तरह। काम काफ़ी मेहनत का है लेकिन एक दफ़ा ये बन जाएंगे तो उसके बाद डेली बेस पे जब आपका दिल चाहे तो आप ड्रिंक बनाएं और उसको पी लें। तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये सही तरह भुन गए हैं, अब निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दाने जो हैं जौं के इनको भून लिया हमने, तो अभी ये जो दाने हैं इनके ऊपर छिलके हैं, यानी पूरी तरह दाने जो हैं वो निकले नहीं हैं, तो इनको हम छिलके जो हैं वो उतारने हैं। तो छिलके उतारने के लिए इसे बोलते हैं उखली, इसे उखली बोलते हैं और इसे बोलते हैं मोला, ये लकड़ी का बड़ी मतैब जिसे हम कहते हैं। तो इसकी मदद से हम जो है इसके छिलके उतार लेंगे और दाने जो हैं वो अलहदा कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ऐसे। इसे एक तरह का कह सकते हैं कि बड़ी कुंडी है ये, और ये बड़ी सी हमारे पास मतैर है, ये कह सकते हैं इसे। अगर उखली की समझ नहीं आपको आ रही, वैसे पंजाबी में इसे उखली बोला जाता है और ये काफ़ी अरसे से इसी तरह ये प्रोसेस चल रहा है, इसी तरह लोग जौं जो हैं उनके छिलके जो हैं वो अलहदा करते हैं।
और ये हमारे जो बड़े हैं वो बताते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी अरसे से चल रहा है इसी तरह। तो ये जो दाने के ऊपर छिलके हैं ये उतरना शुरू हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हो गए हैं, अभी इन्हें निकाल लेंगे। तो अभी छज की मदद से इसे दोबारा छांट लेंगे और ताकि इसका जो कचरा थोड़ा बहुत इनमें रहता है ये निकल जाए। इसी तरह सारे के सारे साफ कर लेंगे। अभी इनको पीसेंगे चक्की की मदद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह पीस लेंगे और इसको आटा बना लेंगे। इसके लिए दानेदार आटा बना है, बिल्कुल ज़्यादा बारीक नहीं, और इसी के सत्तू बनते हैं दानेदार आटे के। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ तैयार हो गई है। तो अभी इनको जिस छन्नी से आटा छानते हैं उससे छान लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे तो छानने से ये हुआ कि जो आटा था वो नीचे चला गया और जो थोड़े बहुत दाने के ऊपर छिलके होते हैं ना वो अलहदा हो गए हैं। तो इनको हम ऐसे कर लेंगे।
तो अल्हम्दुलिल्लाह बारीक छाननी से इन्हें छान लिया। और ये तो अभी बनाते हैं सत्तू, और ये दो तरह के बनते हैं, एक तो आप लस्सी में भी बना सकते हैं और दूसरा आप पानी में बना सकते हैं। अगर आपको लस्सी पसंद है तो ये आसानी से अवेलेबल है, तो लस्सी में बना के पिए, तो अगर आपको लस्सी नहीं पसंद तो फिर आप पानी में भी बना के पी सकते हैं। और दूसरा ये है कि एक तो ये चीनी से भी बनाए जा सकते हैं, दूसरा ये शक्कर यानी गुड़ से भी बनाए जा सकते हैं। तो दोनों चीज़ों से हम बनाएंगे। ये सबसे पहले पानी है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पानी में चीनी डालेंगे, हाल करते हैं चीनी को, थोड़ा सा नमक भी शामिल कर लेंगे, अगर आपको पसंद है तो कर लें, पिसे हुए ये शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पानी से बना लिए, अभी लस्सी के बनाएंगे। और जो पुराने लोग थे वो ज़्यादातर लस्सी के ही पसंद करते थे, अगर आपको शक्कर पसंद है तो लस्सी में भी डाल सकते हैं, ये घर की शक्कर है हमारी, ये डालते हैं, कम ज़्यादा मीठा आप कर सकते हैं, नमक भी हम डाल देंगे। मिक्स करते हैं, और सेहत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे होते हैं, ठंडे होते हैं, स्पेशली मैदे वगैरह के लिए तो बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है गाँव में। हानी मोहम्मद भाई माशाल्लाह जबरदस्त, यकीन करो ठंड पे आई है, बहुत अच्छे बने ना, बहुत मजेदार ने, माशाल्लाह बहुत मजा आया।